हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं मॉम स्टैप। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मॉम स्टैप क्या होता है। तो बेसिकली मॉम स्टैप कुछ नहीं है, सिंपल चार टेक्नोलॉजी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर M4 हो गया मोंगो डीबी, और जो कि डेटाबेस है, और यहाँ पर E4 हो गया आपका एक्सप्रेस जेएस, और V4 हो गया व्यू जेएस हो गया, और N4 हो गया नोड जेएस। तो ये चार टेक्नोलॉजी का हम यूज करके एक वेब एप्लीकेशन तैयार करते हैं, जिसको हम मॉम स्टैक हम बोल रहे हैं। यानी कि एक फुल स्टैक आप एप्लीकेशन बना सकते हैं जेएस का इस्तेमाल करते हैं। तो बस आपको तीसरी कोई लैंग्वेज सीखनी नहीं है दोस्तों, दूसरी सिर्फ आपको जेएस सीखनी है, और एक माई स्क्रिप्ट का कमांड होना चाहिए, और एचटीएमएल सीएसएस तो आपको आता है। तो अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप चाहें तो। तो दोस्तों, यहाँ पर मॉम स्टैक कुछ नहीं है, जैसे आपने मीन स्टैक सुना होगा और मर्न स्टैक सुना होगा। तो यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं एज ए फ्रंट एंड, वो करेंगे व्यू जेएस पर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको फ्रंट एंड पर काम करना है तो व्यू जेएस का यूज करेंगे, और बैक एंड पर काम करना है तो बैक एंड के लिए हम एक्सप्रेस जेएस का हम यहाँ काम करेंगे। तो बस ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम इसको मॉम स्टैक कह रहे हैं। तो दोस्तों, आगे जो हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, ध्यान रखना इसमें दो चीजें होंगी। एक तो होगा फ्रंट एंड भी हम बनाएंगे, और बैक एंड भी हम बनाएंगे, और बाकी मोंगो डीबी तो हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप चाहे मोबाइल एप्लीकेशन बना लीजिए, चाहे वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन बनाएंगे, इसका फायदा है दोस्तों, आपको सिर्फ जेएस पर ही कमांड करना है, मतलब जेएस ही आपको ढंग से सीखनी है, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं। मोंगो डीबी की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप काम करेंगे तो एक देखिए यहाँ पर एक जेएस की तरह से फीलिंग आएगी, यानी कि कह सकते हैं जेएस समझ लीजिए या फिर जेएसएन। क्योंकि यहाँ पर जो आप कलेक्शंस बनाएंगे, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट आप डालेंगे, तो उसमें डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे तो वहाँ पर एक इस तरह से यूज करेंगे हम, जैसे ऑब्जेक्ट हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट या का हम यूज कर रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे तो अपने सिस्टम पर लोकल पर डाल इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप क्लाउड पर होता है मोंगोडीबी, वहाँ से एटलस का नाम सुना होगा आपने, वहाँ भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं, अपने डेटा को रिट्रीव करें या अपडेट करें, व्हाटएवर। तो दोस्तों, ये तो हो गया डेटाबेस की बात। हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो फ्रंट एंड का जब काम करेंगे तो हमें डेटाबेस की जरूरत है, तो बैक एंड तो हम काम कर ही रहे, तो हम लेंगे मोंगोडीबी, हो गया, चलो ठीक है। अब आते हैं एक्सप्रेस जेएस। दोस्तों, आपने सुना होगा बैक एंड पर काम करना, तो यहाँ पर हम जेएस की बात करें तो बैक एंड पर काम करने के लिए एक्सप्रेस जेएस आपको आनी चाहिए। इन सब भी पर मैंने वीडियोज डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डेटा के साथ इंटरेक्शन अगर करना है, यानी कि हमें डेटा रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो सारी चीज़ जो बैकएंड पर काम करेंगे वो एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। जैसे आपने पीएचपी में अगर काम किया है, जैसे आपने लारावेल कोऑर्डिनेटर पर और यानी जेंगो पर काम किया है, तो पाइथन सीखी होगी आपने, यहाँ पर कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह से यहाँ भी दो पार्ट अगर आप देखेंगे तो फ्रंट एंड पर काम कर सकते हैं और बैक एंड, दोनों यहाँ पर आपको मिलेंगे और फुल एप्लीकेशन आप तैयार हो जाएगी। तो बस आपको एक्सप्रेस जेएस भी आपको सीखना है। तो यहाँ पर बैक एंड पर काम करें या फ्रंट एंड पर करें, यहाँ पर सिर्फ आपको जेएस ही सीखनी है। जैसे आपने पीएचपी में देखा होगा, वहाँ पर आपको जेएस वगैरह भी सीखनी होती है, जेएस के जो लाइब्रेरी वो भी सीखनी है, और एक अलग से एक आपको पीएचपी सीखना है या पाइथन सीखने, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अब आता है व्यू जेएस की बात करें, अगर आपको फ्रंट एंड पर काम करना है, जैसे यूजर इंटरफेस आप यानी कि यूआई जब बनाएंगे आप, तो उसमें व्यू का यूज करेंगे, फॉर्म डिस्प्ले कराना है या कोई एलिमेंट कहाँ पर डिस्प्ले होगा, डेटा आएगा तो वो कहाँ डिस्प्ले होगा, तो ये सारी चीज़ें हम व्यू जेएस का यूज करने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें हैं व्यू जेएस के अंदर, आप चाहें तो वीडियो हम चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में, मैं लिंक भी दे दूंगा। तो व्यू जेएस का हम यूज करके बनाएंगे फ्रंट एंड। और दोस्तों, अब आपको मतलब कि यहाँ पर अब किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले समय में होता था। आज के समय में नोड जेएस को आप देखेंगे तो यहाँ पर हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं, फुल वेब एप्लीकेशन, मतलब कि बैक एंड भी होगा और फ्रंट एंड भी होगा, हम किसी तीसरी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये होता है जो भी स्टैक है। दोस्तों, अगर नोड जेएस की बात करें तो एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर मिल रहा है कि आपको पहले होता था ब्राउजर में भी काम चलती थी जावास्क्रिप्ट, पर अब क्या होता है कि नोड जेएस को लेकर हम अपने सिस्टम में नोड जेएस को यूज कर लीजिए, जहाँ भी आपको जावास्क्रिप्ट पर अगर काम करना है तो नोड जेएस लिखा तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हमें मिल गया, अलग सेपरेट, जहाँ पर आप अपने जावास्क्रिप्ट को लेकर एक अलग ही एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि एक अच्छी खासी वेब एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। तो नोड जेएस में ही, मतलब अगर आप कहीं और काम करेंगे जेएस को तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, और नोड जेएस में काम करेंगे तो यहाँ पर नोड जेएस में जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है तो उसमें जावास्क्रिप्ट पर जब काम करेंगे तो वो आपको अच्छी वेबसाइट, आप एक अच्छी खासी वेबसाइट बना सकेंगे, चाहे वो आप वहाँ पर एक्सप्रेस जेएस हो या फिर
फ्रंट एंड पे काम करना हो या बैक एंड पे करना हो, आपको जीएस आनी चाहिए और साथ में एकमा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ, एम फॉर मोंगो डीबी, ई फॉर एक्सप्रेस जीएस, वी फॉर व्यू जेएस हो गया जो फ्रंट एंड के लिए, और ई जो एक्सप्रेस जेएस मैंने बताया वो है बैक एंड के लिए, और नोड जेएस आपका ये पता ही है आपको जेएस एनवायरनमेंट आपको दे रहा है, यानी कि एक जैसे कि आपको पीएचपी को रन करने के लिए आपको एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक सर्वर चाहिए होता है, और पाइथन को रन करने के लिए अलग चाहिए होता है। तो अगर आप जेएस में आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो आपके उसके लिए तो कुछ चाहिए होगा, तो वहाँ पर आपको मिलता है नोड जेएस, जिसमें सारे के सारे आप जब काम करेंगे तो नोड जेएस में ही आप इसमें काम करेंगे, चाहे बैक एंड हो चाहे फ्रंट एंड हो, सारी चीज़ें। तो ये आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है नोड जीएस का। तो अब आप कंप्लीट फ्रेम वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिगनर है तो आप शुरू कर लीजिएगा, और ये मैंने यहाँ पर आपको एक दिखा रहा हूँ मैं आपको एक ग्राफ, जिसको समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप क्लाइंट साइड पर काम करें तो देखिए फ्रंट एंड जिसको कह रहे हैं तो व्यू जीएस में काम करेंगे, और उसके बाद सर्वर साइड की बात करें यानी बैक एंड, तो वो नोड जीएस आ गया यानी कि एक्सप्रेस जीएस का आप यूज करेंगे उसमें। और अगर लास्ट में मैंने डेटाबेस आपको मोंगोडीबी मैंने बताया, तो इस तरह से ये फ्लो चलेगा। ठीक है, फ्रंट एंड से रिक्वायर जाएगी बैक एंड पर यानी कि एक्सप्रेस जेएस या नोड जेएस पर, वो इंटरेक्ट होगा उसके जिस हिसाब से आपने डेटा को चाहिए या कुछ भी करना है डेटा के साथ, तो वो लेकर आएगा वह व्यू जेएस को यानी कि फ्रंट एंड और वो उसको रिस्पॉन्स एज ए रिस्पॉन्स वो सेंड कर देगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो वहाँ स्टैक पर, तो ये कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी बहुत सारी वीडियोस में बनाता रहता हूँ। यहाँ आगे सीरीज में हम बढ़ेंगे, आगे बिल्ड कैसे बनाते हैं, कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, वो सारी बातें हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, और छोटे छोटे एप्लीकेशन भी बनाकर हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस और व्यू जेएस अगर नहीं आती है या मोंगोडीबी, तो वीडियोज है मेरे प्ले लिस्ट, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो अब आपको आई थिंक आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा, मम स्टैक कोई ऐसी तूफान नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल या चार टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, तो उसी को मिलाकर एक हम एक स्टैक हम उसको कह रहे हैं, तो बस इसीलिए हमने मम स्टैक बोल दिया। तो एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, और मोबाइल के लिए भी आप मोबाइल एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से हमने पहले मैंने वीडियो बनाया, अगर आप देखें तो सिंपल मैंने समझाया हुआ कि मेन स्टैक क्या होता है और मन स्टैक क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, ये थर्ड था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, इतना कीमती